क्या आपको पता है कि ये जो कार आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये दुनिया की सबसे तेज कार है और इस कार ने स्पीड ऑफ साउंड को भी पीछे छोड़ दिया। और क्या आपको पता है कि ये YouTube का रेड क्रिस्टल प्ले बटन है जिसे YouTube 100 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर देता है। और क्या आपको पता है कि अगर आप वाटर बॉटल में पानी और ब्लीच को मिलाएंगे तो वो चमकने लगेगा, जो कि पूरे 60 वाट के बल्ब के बराबर होगा। और क्या आपको पता है कि ये जो इंडियन कॉइन्स पर ये अलग अलग निशान है, इसका क्या मतलब है? ऐसे शॉकिंग और गजब फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नंबर 20, सऊदी अरेबिया में पाए जाने वाले आप इन अल नसाला नाम की चट्टानों को देखिए। ये असल में देखने को तो ऐसा लगता है कि इस चट्टान को किसी लेजर से कटिंग किया गया है और इसी वजह से ये इतना परफेक्टली बैलेंस्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये दोनों चट्टाने अलग अलग हैं, जिसे देखने में ऐसा लगता है कि इनकी लेजर से कटिंग की गई है और यही वजह है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग इस चट्टान को देखने आते हैं। नंबर 19, आप कभी ना कभी चिड़ियाघर में तो जरूर गए होंगे और आपने देखा होगा कि चिड़ियाघर में जानवरों को पिंजरे में रखा जाता है और वहाँ इंसान खुले में उन जानवरों को देखते हैं। लेकिन चाइना, जो कि अपने उल्टे कामों के लिए मशहूर है, वहाँ पर रिवर्स जू पाया जाता है। वहाँ पर जो ट्रैवलर्स हैं उनको पिंजरे में ही रखकर जू को दिखाया जाता है और जानवर खुले में ही रखे जाते हैं। क्या इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेशन में जरूर दें। नंबर 18, ये बात शायद आप ना जानते हो कि जो सेब के बीज होते हैं उनमें दरअसल साइनाइड पाया जाता है, जिस वजह से अगर कोई इंसान 200 बीजों को एक साथ खा ले तो वो इंसान सिर्फ एक मिनट में मर जाएगा। नंबर 16, ये जो आपके सामने कपड़े दिखाई दे रहे हैं, ये रेप विक्टिम्स के कपड़े हैं। दरअसल इन कपड़ों को एक एग्जीबिशन में रखा गया है और इन कपड़ों से ये प्रूव होता है कि जो रेप है वो कपड़ों की वजह से नहीं होते। नंबर 16, अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब भी कोई हैंड ग्रेनेड को फेंकता है, उससे पहले वो अपने दांतों से हैंड ग्रेनेड का पिन निकालता है। दरअसल रियल में ऐसा नहीं होता। असल में हैंड ग्रेनेड का पिन इतना ज्यादा टाइट होता है कि उससे आपके दांत भी टूट सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रेनेड का पिन बाहर नहीं आएगा। नंबर 15, ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता है कि आईफोन का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि जो भी फिंगरप्रिंट लगाया जा रहा है वो किसी जीवित इंसान का है या फिर मरे हुए इंसान का, लेकिन किसी और ब्रांड का फोन ऐसा नहीं कर सकता और यही फीचर आईफोन को बाकी फोन से अलग बनाता है। नंबर 14, अब आप इस तस्वीर को देखिए। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसके तुरंत खींचने के बाद फोटोग्राफर मिशी होशिनो के टेंट में ये भालू घुस गया और उस फोटोग्राफर को उस भालू ने जान से मार दिया, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये उस फोटोग्राफर की खींची हुई आखिरी तस्वीर है। नंबर 13, दोस्तों फिनलैंड में एक बहुत ही अजीब सा त्यौहार मनाया जाता है। वहाँ पर वर्ल्ड स्लीपी डे मनाया जाता है और इस त्यौहार के दिन ऐसा नहीं है कि हर कोई सारा दिन सोता रहे, लेकिन इस त्यौहार के दिन जो भी फैमिली मेंबर्स लास्ट में सो के उठता है तो उसकी फैमिली के लोग उसे ले जाकर तालाब में ही फेंक देते हैं। नंबर 12, आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे घंटों के काम बस कुछ ही सेकंड्स में हो जाते हैं और US नेवी ने भी कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। दरअसल उन्होंने सबमरीन के जो कंट्रोल्स होते हैं, जिन्हें हम पेरिस्कोप कंट्रोल कहते हैं, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, उन्हें Xbox 360 रिमोट कंट्रोल से रिप्लेस कर दिया है, जिस वजह से जहां उन्हें ट्रेनिंग के लिए घंटों लगते थे वहां अब कुछ ही सेकंड्स में उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। नंबर 11, चाइना का एक आदमी इस हैमर जैसी चीज़ को अखरोट तोड़ने के लिए 25 सालों से यूज़ कर रहा था, लेकिन उसे इस बात का अभी पता चला कि ये चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक हैंड ग्रेनेड है। अब आप भी सोच सकते हैं कि अगर वो हैंड ग्रेनेड कहीं गलती से फट जाता तो उसका क्या होता। नंबर 10, ये फैक्ट शायद आपको ना पता हो कि अगर आप कोक की बोतल में पानी और ब्लीच को डालोगे तो वो अंधेरे में रिफ्लेक्ट करेगा और जो उसकी लाइट होगी वो 60 वाट के बल्ब के बराबर होगी। नंबर 9, अगर आप अपने आईफोन को iOS 14 में अपडेट करेंगे तो ये जो ऊपर ऑरेंज डॉट आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई ऐप आपके फ़ोन का माइक्रोफोन यूज़ कर रहा है और कोई आपकी आवाज़ सुन रहा है। लेकिन अगर वहाँ पर ऑरेंज डॉट की जगह ग्रीन डॉट है तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐप
आपके कैमरा को यूज कर रहा है और इन डॉट्स की मदद से हमारी प्राइवेसी बढ़ जाएगी और इसी वजह से आईफोन बाकी सेलफोन से काफी अलग है। नंबर 8, इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर एक बनाना की है जिसे आप पता लगा सकते हो कि आखिर MRI स्कैन, CT स्कैन और या फिर एक्सरे में क्या डिफरेंस होता है। नंबर 7, मुकेश अंबानी पूरे इंडिया के और जेफ बेजोस पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं और अभी इस वक्त ये लोग बिलियनियर हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी अगर इसी हिसाब से पैसा कमाते रहे तो वो साल 2033 तक ट्रिलियनियर बन जाएंगे और यही बात जेफ बेजोस की करी जाए तो वो ये आंकड़ा 2026 में ही पूरा कर लेंगे। नंबर 6, हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज अपने खतरनाक स्टंट्स के लिए जाने जाते हैं और वो पहले भी अपने स्टंट के लिए बुर्ज खलीफा के टॉप पर दिखाई दिए थे। लेकिन ये बात शायद आपको ना पता हो कि अब वो अपने स्टंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए अगले साल स्पेस में स्टंट करने वाले हैं और उन्होंने इसके लिए एलन मस्क और नासा के साथ टीम अप भी कर लिया है। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है कि ये कार दुनिया की सबसे तेज कार है और इसका नाम है थ्रस्ट SSC। ये बात आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इस कार ने स्पीड ऑफ साउंड मतलब कि साउंड बैरियर को पीछे छोड़ दिया है और ये साउंड बैरियर को तोड़ने वाली दुनिया की सबसे पहली कार बन गई है जिसकी स्पीड तकरीबन 1228 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड को ब्लैक रॉक डेजर्ट में टेस्ट किया गया था। नंबर 4, ये बात आपको हैरान कर देगी कि चाइना में अमीर आदमी अगर कोई जुर्म करता है तो वो जेल जाने की बजाय किसी और को पैसे देकर उस आदमी को अपनी जगह भेज सकता है और वहाँ कानून भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। नंबर 3, YouTube पर अगर किसी YouTube चैनल के 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाए तो YouTube उसे डायमंड प्ले बटन भेजता है और अगर 50 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए तो YouTube उसे कस्टम प्ले बटन भेजता है। लेकिन क्या आपको पता है कि YouTube ने 100 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल के लिए पहले कोई भी प्ले बटन नहीं लॉन्च किया था, लेकिन अब उन्होंने प्ले बटन को लॉन्च कर दिया है और अगर आपने उसे नहीं देखा तो ये देखिए, इसका नाम है रेड डायमंड क्रिएटर अवार्ड और ये डायमंड प्ले बटन से इंस्पायर्ड है और ये सिर्फ अभी तक 2 यूट्यूब चैनल्स को ही मिला है जिसका नाम है प्यूडीपाई और टी सीरीज। नंबर 2, क्या आपको पता है कि सोनी अपने वाटरप्रूफ वॉकमैन की एड वाटर बॉटल में करती है क्योंकि वो कस्टमर्स को दिखाना चाहती है कि वो एक्चुअल में वाटरप्रूफ हैं और शायद इसी वजह से सोनी बाकी कंपनी से काफी अलग है। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने इंडियन कॉइंस के ऊपर ये कुछ सिंबल्स को जरूर नोटिस किया होगा और शायद आपको ये बात ना पता हो कि ये सिंबल अलग अलग हैं और इनके अलग अलग होने के पीछे भी कोई कारण है। दरअसल वो सिंबल उस शहर को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर उस कॉइन को बनाया गया है। अगर आपके सिक्के पर स्टार बना है मतलब तारा बना है तो इसका मतलब कि वो सिक्का हैदराबाद में बना है और अगर उसके पीछे एक डॉट है तो उसका मतलब कि उस सिक्के को नोएडा में बनाया गया है और अगर उस सिक्के के पीछे डायमंड है तो इसका मतलब उस सिक्के को मुंबई में बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के रैंडम फैक्ट्स। अगर आपको ये फैक्ट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।